बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज की जो वीडियो है ये मैं एक मेडिकल स्टोर पे बना रहा हूँ कि एक मेडिकल स्टोर जो है वो उसको उसका स्टार्ट लेने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें लोकेशन का क्या तयन किस तरह किया जाता है और इसमें जो आपके जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए मैं अपने एक बड़े मोहतरम दोस्त हैं, अज़र अवान साहब हैं, मैं इनके पास आया हूँ। तो हम इनसे सवालात पूछते हैं और इनसे हमें इंशाल्लाह अच्छी जो भी राय होगी वो ये इंशाल्लाह हमें प्रोवाइड करेंगे। और ये जो जो लोग हैं जो ये मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं इंशाल्लाह उनके लिए ये जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी। जी अज़र भाई, जी अस्सलाम वालेकुम अज़र भाई। वालेकुम अस्सलाम अज़र भाई, मैं बहुत शुक्रिया आपने कीमती टाइम दिया अपना और आपकी फसल से हम जो वीडियो बना रहे हैं इंशाल्लाह ये हमारे जो यंग जनरेशन है या जो भी मेडिकल स्टोर का काम करना चाहते हैं आप उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दें ताकि वो काम कर सकें और उनको प्रॉब्लम ना हो। आप सबसे पहले बताएं आपको इस काम में इस फील्ड में कितना अच्छा हो गया? तकरीबन इसको हो गए 24-25 साल हो गए। और ये शुरू से आप मेडिकल स्टोर पे ही थे? मैं पहले कंपनी में था, उसमें सेल्स मैन था। अच्छा, ठीक है। और फिर ऑर्डर बुक कर भी रहा हूँ, उसके बाद फिर ये स्टार्ट किया। तकरीबन इसको भी 8-9 साल हो गए। माशाल्लाह। आपने अच्छा, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ तो है एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद अगर किसी के पास आपकी कैटेगरी है तो वो सबसे ज़रूरी है, मेन है। अगर उसके पास आपकी है तो फिर जगह का तयन करना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, गैदरिंग वाली जगह है, उधर कोई स्पेस होना चाहिए, फार्मेसी नहीं है, कोई भी डॉक्टर शॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं नज़दीक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मेन चीज़ है गैदरिंग वाली जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। असल में कैटेगरी का आपने नाम लिया, ये क्या चीज़ है, इसका क्या ये फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव होती है और डी कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा जो डी फार्मेसी है जो 5 साल की होती है एफएससी के बाद वो ज़रूरी है। अगर उसके छोटा कोई मेडिकल स्टोर है जिस तरह हमारा है यहाँ पे बी भी चल सकती है। फार्मेसी कैटेगरी जो है ये आपने अपनी रखी हुई है या नहीं? नहीं, हायर की हुई है। तो ये हायरिंग में कोई प्रॉब्लम क्या है? है बाज़ दफ़ा कोई बंदा नज़दीक का हो तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई जरूरत पड़ जाए ट्रैकिंग इंस्पेक्टर आ जाए विजिट कर ले या बुला ले तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं बेच सकते, एंटी नार्कोटिक्स है मेन, या कोई सेक्सुअल या कोई अनरजिस्टर्ड आइटम है वो अगर नहीं बेच सकते तो वो अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी कैटेगरी पर्सन जो है उसको बुलाना पड़ता है, वो नज़दीक का हो जो अपने जानने वाला हो तो वो सबसे बेहतर है। अच्छा भाई, आप कह रहे हैं 8 साल पहले मैंने स्टोर ये स्टार्ट किया था, इसके लिए स्टार्टिंग अजर भाई आपने जो स्टोर शुरू किया है इसके लिए किस किस चीज़ किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? वो तो आपके अपने तक है कि कितना एक बड़ा दवा से जो नॉर्मल आज से 8 साल पहले 7 साल पहले सिंगल सिंगल पीस की वैरायटी पूरी करने के लिए जो उस एरिए की रिक्वायरमेंट है प्रिस्क्रिप्शन दे के क्या चीज़ चलती है वहाँ, कॉस्मेटिक को छोड़ के तकरीबन 8-10 लाख रुपये 10-1 लाख रुपये हो गए। अब वही अगर कर लें तो 17-18 लाख रुपये लगेगा इतनी सी जगह के लिए, 10x12 की जो है उसमें जगह मेजरमेंट इतनी है 10x12 की, तो उसके अंदर जो रैकिंग शेकिंग होती है उसमें रैकिंग पे कितना खर्चा आता है? वो तो आपके अपने तक है, अगर आप मिरर की करवा रहे हैं, शीशे की, एलुमिनियम की करवा रहे हैं या लकड़ी की करवा रहे हैं तो इस वक्त तकरीबन 4-1 लाख रुपये तक आएगा, 3.5-4 लाख। आपके कहने का मतलब तकरीबन आप 20-22 लाख? हाँ, 25 लाख रुपये माइंड में रखते हैं। बिल्कुल। और ये लाइसेंस जो आप लेना होता है इसका कितना टाइम लगता है, इसका कितना टाइम लग जाता है? उसमें तकरीबन 2-2.5 महीने लग जाते हैं कम अज़ कम। वहाँ अगर आपके कोई सोर्स हैं या कोई गुड़ आपके कोई बस गुड़ मिल के कोई तल्लक अच्छे हों आपके वहाँ पे कोई हो सकता है जल्दी, लेकिन 2-2.5 महीने फिर भी लग जाते हैं जितना जल्दी भी। बहुत शुक्रिया अज़र भाई, आपसे इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी बैठी हुई, इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा जो मेडिकल स्टोर में आना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।